देश में बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन को चौकसी बरतने के दिए निर्देश, कहा बाढ़ प्रभावितों की मदद के साथ ही बांधों की हो लगातार निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन आज। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपनी मां का लिया आशीर्वाद, नर्मदा नदी की पूजा के साथ कई कार्यक्रम में ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर आज गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री का लोगों ने किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री आज कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सेवा भावना को देखते हुए प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्तव्य निष्ठा और सजगता के साथ कार्य करने की प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए। अमेरिका में 22 सितंबर को हाउडी मोदी कार्यक्रम होगा आयोजित। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ऐप का नया वर्जन हुआ लॉन्च। नए अपडेटेड वर्जन में पहले से ज्यादा है फीचर्स और पहले के मुकाबले ज्यादा मल्टीमीडिया कंटेंट भी मिलेगा यूजर्स को। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात हो रहे हैं सामान्य। गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। घाटी के ज्यादातर हिस्सों से प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के दौरान स्लोवेनिया पहुंचे। दोनों देशों के बीच आतंकवाद समेत विभिन्न मसलों पर हुई चर्चा। निवेश, खेल, संस्कृति, स्वच्छ गंगा मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हुए समझौते। ललितपुर प्रदूषण मुक्त जनपद की ओर हुआ अग्रसर। पॉलीथीन एवं थर्मोकोल पर प्रतिबंध, महिलाएं प्लास्टिक की जगह बांस के फैंसी बांस शिल्प उत्पादन के निर्माण में जुट गईं। प्रधानमंत्री के सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का आह्वान का असर कन्नौज जिले में भी देखने को मिला। लोगों ने कहा प्लास्टिक उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए है हानिकारक, प्लास्टिक के प्रयोग से बचने की कवायद शुरू की। दो अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पूरे देश में अभियान होगा शुरू। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुरादाबाद में अभी से जंग हुई शुरू। स्थानीय लोगों ने देश को प्लास्टिक मुक्त करने का लिया संकल्प। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए प्रदेशव्यापी पोषण माह अभियान हुआ शुरू। मथुरा में संतुलित आहार और देखभाल के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। मिर्जापुर में गंगा नदी उफान पर। गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हुआ। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करने प्रशासनिक टीम पहुंची। बलरामपुर में एक राष्ट्र एक विधान विषय पर जन जागरण और गोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने किया संबोधित। अनुच्छेद 370 एवं 35A के नुकसान पर लगी हुई प्रदर्शनी की शुरुआत।